35 साल हो गए आपको यहाँ पर इधर काम करते हैं। जब 10 रुपए दिहाड़ी थी जब मैं इधर काम करना शुरू किया, 10 रुपए दिहाड़ी तो गुजारा होता थी बड़ा अच्छा, तो हूँ इधर कुछ भी नहीं है, 1000 कमा लो वो भी नहीं, शाम को 300 रुपया था हमारा खर्चा होता, 400 खाना भी खाना होटल पे, तो चाय जो कि 3 दफ़ा चाय पीते हम 1 दफ़ा पीते हैं, नहीं पैसे होते जेब में। ये हुकूमतें कोई किसी का साथ नहीं है, कोई जो भी आता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कर दे कुछ भी नहीं। अच्छा, इतना सामान इतना बोझ उठाना लोगों का, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तंग है, मुश्किल है, ज़िंदगी मुश्किल फिर भी मुश्किल है, बोझ उठा के चढ़ना, कभी ऐसा होता है गिर ना जाइए चोट न लग जाए, तो जो चोट लग जाए फिर भी हम बेकार हो जाते हैं। ये बात है बेटा, 35 साल हो गए हमारे काम करते हैं, दिन पर दिन परेशानी वाली साइड पे आए हैं, खुशहाली वाली साइड पे नहीं आए। ट्रेनें बंद होती गई हैं, प्राइवेट होती गई हैं, किराए बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही है। जो किसी के पास पैसा होगा वो कहेगा कुली उठा लो हम पैसे दे देंगे आपको, तो जो कहता हमारे पास नहीं आपको किधर से दिए, लोग सामान खुद ही उठा लेते हैं अपना, खुद ही ले जाते हैं, ये पूछ लेते हैं किधर गाड़ी ला, हम बताते हैं इधर लगेगी या उधर लगेगी, जिस प्लेटफार्म पे लगेगी हम बता देंगे, तो जैसे हम कहिए जो आपको नहीं है सामान जाता हम उठा के ले जाते हैं, तो उधर छोड़ आते हैं जहाँ आपकी गाड़ी लगेगी, ट्रेन के अंदर भी रखेंगे तो चलो हमारे को भी 100-200 मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कितने बजे आते हैं सुबह, कितने बजे तक यहीं रहते हैं? क्या नहीं है, हम तो रात के 12:30 बजे तक रहना, सुबह 8 बजे के 7 बजे के इधर आए हैं, तो रात के 12:30 बजे तक, 12:30 बजे आखिरी गाड़ी जाती है पिंडी नू, वो चला के फिर हमने लेटना, और सुबह फिर आ जाएंगे, सुबह 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 फिर आ जाएंगे। और चाचा कितनी कमाई है फिर, इतना काम करके कितनी कमाई है? कितने नहीं है, कभी 700, कभी 600, कभी 500, कभी खर्चा भी पूरा होता है, हमारा ही खर्चा पूरा होता है। और घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं? घर वाले तो जब घर से निकलते हैं वो दिन गिनने शुरू करते हैं, बीवी बोलती है तुम्हारे पापा को इतने दिन हो गए गए नू, पैसे ले आएगा तो तुम्हारे के दूंगे। कितने खाने वाले पीछे? 3 बेटियां 1 बेटा। 4 लोग एक आपकी बीवी, एक बीवी है, एक आप, एक हम, 6 लोग हो, 6 लोग सिर्फ आप हैं कमाने वाले? हाँ, हम ही कमाने वाले। बच्चे पढ़े? बच्चा पढ़ रहा, तो बच्ची छोटी भी पढ़ रही है, वो कहती है हमारी ट्यूशन के पैसे भी देने हैं, हमारी पेंसिलें मुक गई, हमारी कापियाँ मुक गई है, तो जो होते देते हैं, फिर वो भी रोना पीटना शुरू कर देते हैं, हम कहाँ से ले आए, टीचर हमारे को मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। चाचा कुल्ली का बच्चा क्या चाहते हैं, इसी फील्ड में आए कुल्ली बने या नहीं? तो ये जाते हैं, ये 35 साल में हमारे को बोझ उठा उठा के हमारे ये टांगे नहीं काम करती, तो हम भी कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ जाए, तो चलो पढ़ लिख के कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी कर लेगा, या वो नौकरी सरकारी नौकरी वाली तो उम्मीद नहीं है हमारे बच्चों को। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? तो बच्चों को नहीं ना मिलती जो पैसे, जो जो बड़े लोग होंगे वो अपने बच्चों को करा जाते हैं, हमारे फिर रह जाते हैं, तो चलो कोई प्राइवेट कर लेगा, पढ़ लिख के कर लेगा, ये बोझ उठा उठा के हर चीज़ तो दर्द करती है, टांगे दर्द करती हैं, सर दर्द करता है। लेकिन आप नहीं चाहते कि वो कुल्ली बने या इधर? नहीं, ये चाहते ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये मजदूरी या कल पता नहीं कैसा निज़ाम आना, तो फिर क्या करें? आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो रहे हैं, निज़ाम बेहतर हो रहा है या बिगड़ रहा है, क्या हालात? बिगड़ ही रहा, बेहतर नहीं हो रहा है, 35 साल देख रहे हैं, 35 साल पहले बेहतर था, जबकि ट्रेनें बहुत बंद है, 10 ट्रेनें फैसलाबाद की, 10 नारोवाल की थी, 1-2 सरगोधा की थी, बाकी इधर कसूर पाक पटन वाली थी, कराची वाली थी, नहीं इतनी ट्रेनें थी, तो फिर काम भी उतना था, सवारियां उतना था, सवारी भी उतनी थी, चलो कोई ना कोई मिल गई, कोई पैसेंजर वगैरह मिल गई, लोकल ट्रेन की, कोई कराची वाली की मिल गई। अब कितनी ट्रेनें आती जाती हैं? अब तो ट्रेनें एक एक गाड़ी उधर दो दो चलती है, जो लोकल वाले हैं, तो कराची वाली यहाँ हैं 10-12 ट्रेनें चलती हैं।